कुछ दिन पहले जैसे आपको पता है हमारे फौजी भाइयों के साथ कितना बुरा हुआ, उन पे सीधा अटैक किया गया। उसके बाद हमारे देश का आपको हाल पता है, सबके सब पूरा हर बंदे के अंदर खून भाई उबल रहा है। मेरे साथ भी उबल रहा था, तभी मैंने इसकी वीडियो पहले नहीं डाली थी। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई अब वीडियो डालो वीडियो डालो। एक सिंपल सा रूल है, जब आप बहुत सारा खुश हो और जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो कोई डिसीजन मत लो। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था उस टाइम, अगर कुछ वीडियो बना रहा था तो हो सकता है मेरे से कुछ निकल जाता गलत वलत। इसलिए मैंने वेट किया, मैंने कहा थोड़ा दिमाग शांत हो थोड़ा मन शांत हो तब जाके मैं बोलूँगा। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ भाई, ये चीज़ है क्या। पहली चीज़ तो सबको अभी तक पता लग गया, अगर न्यूज़ व्यूज़ देखता है या फिर थोड़ा सा अपडेट रहता है, कि ये जो काम हुआ ये इंटरनल बंदे ने किया है। इंटरनल मतलब इतना बड़ा RDX, ये तो है नहीं ट्रक से पाकिस्तान से आएगा या फिर चाइना से आएगा या फिर कहीं से भी आएगा, वो वहीं पे कहीं ना कहीं से आया है। पैसा जो पूरी पूरी ट्रैकिंग हुई है कि कहाँ पे ट्रक जा रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई इंटरनल बंदा था जो कि बता रहा था। तो देखो आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि कश्मीर के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें से बहुत सारे लोग हमारी आर्मी के एकदम अगेंस्ट है, वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल से उठाई है, वहाँ पे आप देखोगे कि लोगों के अंदर कितना गंदा भरा हुआ है, सोच ही गंदी है उनकी। उनको ये लगता है कि भाई ये जो मारा गया है उन्होंने जान करके मारा है। मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे साथ ये करोगे तो SM करेगी ही करेगी। आप कमेंट पढ़ो, उससे तो और गुस्सा आ रहा था मेरे को। जब मैंने कमेंट पढ़ी ना तो मेरा मतलब मन था कि कुछ कर दूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ तो हम सबके सब क्या करते हैं, मोमबत्तियाँ लेके चले जाते हैं इंडिया गेट पे। क्या भाई उससे कुछ होने वाला है, फालतू के लॉजिक इलॉजिकल बातें। उसके बाद आप लोगों को सुनाओगे भाई आप देशभक्त नहीं हो। क्या देशभक्ति का मतलब है फौज में जाके लड़ना। मुकेश अंबानी को कहा जाता है भाई आप चोर हो, भाई वो कितने लोगों की ग्रस्तियां चला रहा है, उसकी वजह से कितने सारे लोग चल रहे हैं, उन सब कमा रहे हैं और वो सब इनकम टैक्स दे रहे हैं जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट में काम आ रहा है, वो भी देशभक्त है। आप भी देशभक्त हो, मैं भी देशभक्त हूं, हर बंदा देशभक्त है। बस कंडीशन ये है हम अपने अलग अलग तरीके से देश की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब लोग बहुत मतलब मेरे को नहीं पता हमारे देश के अंदर इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आती है। सबके सब कहते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, मोमबत्ती उठा के ले गए, उसके बाद आप जो मोमबत्ती लेके जा रहा है वो देशभक्त है, जो नहीं लेके जा रहा वो देशभक्त नहीं है। उसके बाद बहुत सारे अभी मेरे फेसबुक कैंपेन देखा तो उससे तो और ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। मतलब मैं मानता हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया के अंदर, मेरे को ऐसी अंदर से मानना है। तो मैं देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर लोग ऐड चला रहे हैं जहाँ के अंदर दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो इस फौजी भाई के बच्चे ऐसे हैं, इनको इतना बुरा हाल हो रहा है, आप डोनेट करो पेटीएम के ऊपर, और दबा दबा के लोग उसको पेटीएम पे डोनेट कर रहे हैं। मतलब पूरा फ्रॉड नेटवर्क क्रिएट कर रखा है उन लोगों ने, इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटीज बने हैं यहाँ पे और उसको उठा के कैपिटलाइज कर दिया। तो क्या वो बंदा देशद्रोही नहीं है, क्या वो बंदा आतंकवादी नहीं है? वही बंदे आतंकवादी है जो फौज के ऊपर हमारे फौजी भाइयों के ऊपर हमला कर रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग आतंकवादी है। अभी एक रिसेंट का इंसिडेंट बताता हूँ, एक बुढ़ी आंटी मतलब 50-60 की होगी, उनकी बच्ची की बेटी की शादी थी, लौती बेटी की, वो बहुत टाइम से पैसा इकट्ठा कर रही थी, उन्होंने बैंक से पैसा निकाला, पैसा लेके वो आ रही थी, रास्ते में बंदे पैसे लूट के ले गए। अरे भाई वो आतंकवाद नहीं है, उनका भी तो पूरा घर खराब हो गया, गली गली के अंदर फोन छीन के फोन स्नैचिंग करके ले जाते हैं। क्या ये नहीं लगता कि आपको नेक्स्ट लेवल बंदे पहुंचेंगे? ये हमारे देशद्रोही नहीं है, इनकी वजह से हमारे देश के अंदर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आ रहे, इसकी वजह से लोगों की घर की फैमिलियां खराब नहीं हो रही। हर बंदा अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है, मोमबत्ती से कुछ नहीं होगा भाई। मैं मानता हूँ सबकी लाइफ के अलग अलग गोल्स है, हर बंदा फौज में जाके नहीं लड़ सकता, हर बंदा अपने घर से अपने भाई को अपने बच्चों को फौज में नहीं भेज सकता, पर हम अपने घर में तो फौजी बन सकते हैं। अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो हम तो स्टैंड ले सकते हैं। ये जितने भी लोग होते हैं ना मोमबत्ती वाले, उसमें 60-70% वही लोग होते हैं जो कि इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे कमाने के बाद भी, जो कि अगर देखेंगे ना किसी लड़की के साथ गलत हो रहा रोड के ऊपर तो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, कहेंगे चलो जो चल रहा है चलने दो, कोई फोन स्नैच लेके ले जाएगा, कोई गलत हो जाएगा ना बैठ के न्यूज देखेगा और कहेंगे यार हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता, काम करना पड़ेगा भाई। मैं देखो पता क्या है, मैं वीडियो लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह से बहुत अनाप शनाप निकल जाता। मेरे साथ क्या है, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ, मतलब 0 या फिर 100, अगर मैं एक चीज़ के साथ हूँ तो साथ हूँ, अगेंस्ट हूँ तो अगेंस्ट हूँ। तो अगर मैं कुछ बोल देता तो फिर मेरे मुंह से पता नहीं कुछ कुछ निकल जाता और इस चैनल पे ये बोलना अच्छा नहीं लगता। 1-on-1 आओगे, 1-on-1 बोल दूंगा जो बताना होगा। अब भाई मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो रही है, कह रही है कि भाई ये मोदी की वजह से हुआ है, जी इसने ये किया, लोग कमेंटे कर रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल के अंदर, मेरे बाकी लोगों की कमेंट करी भाई ये मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए किया है। मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा भरा हुआ लोगों के दिमाग के अंदर। अरे भाई पॉलिटिक्स का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ,
देश के साथ गलत हुआ है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का, वही लोग आ जाएंगे। अगर अभी हमारे फौजी को मारा जाता है ना, तो कहेंगे कि भाई अब यहाँ पे कोई आरएसएस वाला नहीं आएगा, यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा भाई देश को बांटा जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। वो तब आते हैं जब इलेक्शन आने वाले होते हैं और हमारे देश को बांटने की कोशिश करी जाती होती है। यहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं करेगा, सारे के सारे बंदे अपनी पॉलिटिशियन की रोटी सेकते हैं। अभी रिसेंट का इंसिडेंट बता रहा हूँ केजरीवाल का, मेरे को कोई स्टूडेंट ही बता रहा था, वो बंदा कॉल करते हैं आपको आम आदमी पार्टी से, वो आपको कहते हैं कि भाई मोदी जी ने आपका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है, टेंशन ना लो, केजरीवाल जी लड़ रहे हैं उसके लिए। एक हफ्ते के बाद आपके पास कॉल आती है कि केजरीवाल जी जीत गए हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है। मतलब अंत लेवल कूड़ा भर रहा है। क्या ये देशद्रोही नहीं है? क्या ये गलत काम नहीं है? भाई हमको अपने दिमाग को डेवलप करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और हमको चैनलाइज करना पड़ेगा अपनी सोच को। ये जो गलत काम कर रहे हैं ना, गोली गोली मार के चला जाता है छोटी छोटी बात के ऊपर। मतलब दिल्ली के अंदर ही आप इतने बड़े बड़े इंसिडेंट देखोगे, रेप कर रहे हैं। क्या रेप आतंकवाद नहीं है? क्या देशद्रोही? मैं मार दो सालों को, सेम सबके लिए सेम होना चाहिए। सारे के सारे देशद्रोह है, जो भी है गलत कर रहा है सबके साथ सेम करो, शूट ऑन साइट, खत्म कहानी। अब मैं बोल नहीं रहा, अब मैं चुप हो रहा हूं क्योंकि मेरे को फिर गुस्सा आ जाएगा। अब ज्यादा वो नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से आपका थोड़ा दिमाग में कुछ डायरेक्शन आई होगी क्या करना है क्या नहीं करना। और कई बार तो ऐसा मन करता है यार सब कुछ छोड़ छाड़ के गब्बर बन जाऊं, गब्बर आ जाएगा। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, खत्म करता हूँ यार, हाथ जोड़ता हूँ। किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी को ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ ऑफेंड वाली बात करी है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बाय, गुड नाइट, शब्बा खेर, खुदाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।